दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे कुछ नेचुरल फूड्स की जो आपके घर में आसानी से आपके किचन में या आपके फ्रिज में रखे होते हैं खाद्य पदार्थ, जिनको इस्तेमाल करके आप कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कत को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। और अगर आप कॉन्स्टिपेशन ठीक कर लेते हैं तो आपका फिशर्स एनल फिशर या बवासीर हेमोरॉइड्स का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। आप अगर ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फूड्स इस्तेमाल करेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। आपको ऐसे फूड इस्तेमाल करने चाहिए जिनके अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। एक सिंपल सा रूल है, आप जब ऐसा भोजन करेंगे जो ड्राई है, जिसके अंदर पानी की कमी है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने का खतरा बढ़ेगा। दूसरी तरफ अगर आप ऐसी चीजें खाएंगे जिनके अंदर पानी की ज्यादा मात्रा होती है, जैसे फ्रूट्स होते हैं बहुत सारे, लेकिन आपको सिर्फ जूस जूस नहीं पीना है, जो उसके अंदर फाइबर है वो भी लेना है, तो हमेशा आप साबुत फ्रूट्स अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो ये तो हमने कुछ जनरल बातें कर ली, लेकिन अगर रूटीन में आप अगर कॉन्स्टिपेशन के मरीज है तो क्या करें? क्या रोज आप तरह तरह के चूर्ण खाका के काम चलाते हैं रात को, या सुबह को आपको या तो चूर्ण लेने की जरूरत पड़ती है, या आप टॉयलेट में बैठ के स्ट्रेन कर रहे होते हैं जिसमें आपको कई बार टॉयलेट में ब्लड भी आ जाता है, क्योंकि जो आपका टॉयलेट का रास्ता है अगर लैट्रिन बहुत ज्यादा सख्त होती है तो उससे वहां जख्म हो जाता है, जिसको एनल फ्रैक्चर कहते हैं, और ये फिर एक भयानक रूप भी ले सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको सिंपली कुछ चीजें करने की जरूरत होगी। बड़ा आसान है, कुछ फ्रूट्स आप चूज कर सकते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा फ्रूट है गुआवा, अमरूद। आप अमरूद में थोड़ा सा काला नमक लगा के अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आप देखेंगे अमरूद खाने के एक घंटे के अंदर अंदर आपको प्रेशर फील होने लगेगा, और अगर आप कॉन्स्टिपेशन के मरीज भी हैं तो आपको पेट साफ हो जाएगा। बहुत आसान है। जब अमरूद का सीजन है तो आप अमरूद जरूर खाएं, और भी उससे बहुत सारी आपको चीजें मिलेंगी। उसके अलावा जो दूसरा फ्रूट है, आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एक फ्रूट होता है अंजीर। तो अगर आप पका हुआ अंजीर रात को दो अंजीर अगर खा लेते हैं सोते समय, तो ये आप देखेंगे सुबह आपका जो मोशन होगा वो बिल्कुल लूज होगा, नॉर्मल होगा। ये कॉन्स्टिपेशन की बहुत अच्छी दवाई है। तीसरा, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो एक आप काम कर सकते हैं कि जो खजूर होते हैं उनकी गुठली निकाल दीजिए, और जो खजूर आपने लिए थे उनको दूध और गुड़ के साथ उबाल लीजिए थोड़ा सा, और ये दूध पी लीजिए, खजूर खा लीजिए रात को सोते समय, आप सुबह देखेंगे एक आपका पेट साफ हो जाएगा। ये जरूर नहीं है कि आप सारे ही चीजें एक साथ करें, आप एक एक करके भी इनको इस्तेमाल करके देखें, क्योंकि आपके बॉडी टेम्परामेंट के हिसाब से भी अलग अलग चीजें आपके ऊपर काम करती हैं। हो सकता है किसी को अमरूद से बहुत फायदा हो, लेकिन हो सकता है किसी को गुड़ और खजूर वाले दूध से बहुत फायदा हो, या अंजीर से बहुत फायदा हो। तो आप अलग अलग ये रेमेडीज यूज करें, सो दैट आपको अपने अकॉर्डिंग आपके टेम्परामेंट के हिसाब से आपको थेरेपी या रेमेडी मिल जाए। उसके अलावा जो नेक्स्ट आता है, इसबगोल। इसबगोल की भूसी बहुत ज्यादा मशहूर है, अक्सर लोग कॉन्स्टिपेशन के लिए देते हैं, इवन दस्त में भी ये काम आती है। अगर इसको आप दही में इस्तेमाल करके खाते हैं तो ये दस्त में फायदा करती है, लेकिन अगर आप इसको गर्म पानी में या गर्म दूध में दो चम्मच इसबगोल की भूसी घोल के रात को पी लेते हैं सोते समय, तो ये भी एक बहुत अच्छे लग्जरेटिव के तौर पर काम करता है। इससे भी आपको सुबह आसानी से टॉयलेट हो जाती है। एक बात और ध्यान रखने की है कि रात के समय आप कोशिश करें कि केला ना खाएं। केला कॉन्स्टिपेशन करता है अगर आप रात को खाते हैं, केला हमेशा आप सुबह के समय ही इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप पपाया इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपको फायदा करता है कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में। और अगर आपको रेगुलर कॉन्स्टिपेशन रहता ही है तो आप ऐसी चीजें देखें जिनसे आपको फाइबर ज्यादा मिले। और एक बड़ी बात, अगर आप दो अंजीर गन्ने के रस के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन तो जाएगा ही जाएगा, आपकी जो बवासीर या हेमरॉइड्स की समस्या है वो भी जाती रहेगी। आप इस्तेमाल करके देखें एक हफ्ते लगातार, कि दो अंजीर आप खा लें, दो अंजीर रात को खा लें और सुबह एक अंजीर खा के ऊपर से एक गिलास गन्ने का ताजा जूस। ये ध्यान रखें कि जूस जो है गन्ने का वो ताजा फ्रेश होना चाहिए। एक हफ्ते में आपका हेमरॉइड जाता रहेगा। ये बहुत ही लाजवाब रेमेडी है, आप यूज करें। हो सकता है अगर आपको कहीं ऑपरेशन की जरूरत भी पड़े तो वो भी आपको ना कराना पड़े, अगर आपका हेमरॉइड कैटेगरी 3 से कम का है। इन कैटेगरी 2 या 1 की हेमरॉइड तो बड़ी आसानी से ठीक हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, आप अगर कॉन्स्टिपेशन अपना ठीक कर लेंगे तो आपकी बहुत सारी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अगर पेट के अंदर आपकी बीमारी है और पेट के अंदर अगर आपका मल भरा रहता है तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, नॉट ओनली हेमरॉइड्स या बवासीर या पाइल्स, उसके अलावा भी, क्योंकि जब पेट में गंदगी भरी होगी तो आपके खून में भी आपकी आंतों से गंदगी ही अब्जॉर्ब होगी
और उसके अलावा बाकी बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये दिक्कतें भी होने लगेंगी। तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करें, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, पेट आपका साफ होना चाहिए, भूख से कम खाना खाएं और पानी की आदत ठीक डालें, पानी पीने की, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लें, शेयर जरूर कर लें। आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब ही कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय पे मिलते रहे। थैंक यू।